गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन हाउ आर यू गोइंग टू रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज डिजर्ट एनिमल हमने कल क्या पढ़ा था डिजर्ट एनिमल के बारे में कि कौन कौन से डिजर्ट होते हैं इस डिजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं हमने पढ़ा था कुछ कुछ जानवर के बारे में जैसे स्नैक्स के बारे में मोंगोवस के बारे में गर्विल्स के बारे में ठीक है और कुछ कुछ डेजर्ट के बारे में जाना था कि डेजर्ट कितने तरह के होते हैं ठीक है और आज हम पढ़ेंगे मोंगोवस के बारे में चलिए तो मोंगोवज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हार्ट फॉर देमसेल्फ जो मोंगूस होते हैं जो नेवले होते हैं इतने शातिर होते हैं और इतने स्विफ्ट होते हैं तेज होते हैं कि वो बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए हुए वो किसी भी खतरनाक सांप को मार सकते हैं देयर रिएक्शन आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉच इस टाइम द स्नेक स्टाइज उनका जो रिएक्शन होता है लेट्स अगर एक नेवला है और एक सांप है दोनों में फाइट हो रहा है तो जैसे ही सांप अपना फन उठा के उसको डसता है उससे पहले वो उसे डोज कर लेता है डोज मतलब उसे बच जाता है दे कॉन्टिन्यूली मेक अ न्यू सेंस ऑफ दैम सेल्फ अनटिल आफ्टर अ वाइल वन द स्नेक गेट्स टायर द क्यूकली डाइव फॉर द किल और वो क्या करता है जैसे जब उनकी फाइट होती है तो जो नेवला होता है जो मंगूस होता है पहले तो अपने आप को बचाता है डोज करता है और उसको सांप को पूरी तरीके से थका देता है और जब आखिर में सांप थक जाता है तब जाके वो उस पर वार करता है और उसको मार डालता है ऑल द फीमेल एट अबाउट द सेम टाइम और जितने भी फीमेल मोंगूस होते हैं जो नेवले होते हैं जो लेडीज मोंगूस होते हैं वो बच्चे एक साथ ही पैदा करते हैं दे आर रेस्ट बाई द होल ग्रुप इन डेन मेट इन साइड एन ओल्ड टर्म माइट माउंट और होल और दे आर रेस्ट बाई उनको उनका पालन पोषण किया जाता है होल ग्रुप से जितने भी जितने भी जो भी ग्रुप है उन लोग का वो सबके साथ पढ़ते हैं बढ़ते हैं ठीक है और उनका एक गुफा होता है जो कि जिसमें ओल्ड टर्म आई जो दिमाग़ वगैरह लगे हुए होते हैं छोटे से लकड़ी में उसके अंदर उनका लालन पोषण होता है अडल्ट आर आउट लुकिंग फॉर फूड वन और टू मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर रिटर्न फॉर द नाइट कराए चूंकि जो, जो लेडीज होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं और बच्चे को पालते पोषते हैं तो ज, और जो सारे जो मेल मोंगूस हैं वो खाने के लिए बाहर चले जाते हैं तो लेडीज़ को संभालने के लिए वहाँ पे दो से तीन मोंगूस वहाँ पे रहते हैं ताकि कोई भी खतरा है तो उनसे फाइट कर सके और बाकियों को बुला सके ये तो हो गया मोंगूस की बात अब आते हैं कैमल की बात और सबको पता है कि रेगिस्तान का मतलब कैमल कैमल का मतलब डिजर्ट अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डिजर्ट इज द कैमल कैमल्स वॉर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाई पीपल मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है जब भी डिजर्ट की बात आती है जब भी रेगिस्तान की बात आती है तो हमारे दिमाग में किसका किस, किस जानवर का इमेज फ्लैश होता है वो होता है कैमल का ऊंट का तो ऊंट को पहली बार हजारों साल पहले उसको डोमेस्टिकेटेड किया गया था डोमेस्टिकेटेड मतलब कि पहले ही ये जंगली जानवर हुआ करते थे बाद में इसको जो ह्यूमंस है उसको अपने काम में लाने लगे उसको हम लोग हमने पालतू बनाया जैसे रेगिस्तान में चलने के लिए घोड़ा नहीं दौड़ पाएगा कुछ कुछ गाड़ियाँ भी नहीं दौड़ पाती है तो उसको हमने किसको यूज़ किया उस पर चलने के लिए कैमल्स को इन द वाइल्ड कैमल्स यूजली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू थर्टी एनिमल्स और जब हम जंग, जंगल में जाते हैं या फिर अगर वो डोमेस्टिकेटेड नहीं है अगर जंगली की बात करें कि जो जिस पे आदमी का अधिकार नहीं है तो हम क्या देखते हैं जो कैमल्स होते हैं वो तीस के ग्रुप में वो साथ में चलते रह, चलते हैं रहते हैं खाते हैं पीते हैं कैमल्स हैव लॉन्ग शेगी विंटर कोट्स टू तो कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू तो कीप कोल्ड कैमल्स के पास कुछ कुछ शेगी शेगी मतलब होता है ना बहुत सारा बाल है उनको विंटर कोट्स होते हैं उनको जैसे फर बोल सकते हैं जो उनके जो बाल होते हैं वो रखते हैं ताकि जो गर्मी का मौसम है क्योंकि वो लोग अधिकतर डेजर्ट में ही रहते हैं गर्मी के मौसम में अपने आप को ठंडा रख सकते हैं अथर्स्टिक कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज थर्टी गैलेंस ऑफ वाटर दैट्स अबाउट फाइव हंड्रेड फुल ग्लासेस इन जस्ट टेन मिनट करें एक जो प्यासा ऊँट है वो ऑलमोस्ट थर्टी गैलेंस ऑफ वाटर यानी कि पाँच सौ ग्लास पे पाँच सौ ग्लासेस ऑफ वाटर पी सकता है केवल दस मिनट में Normally, however it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to अप months without drinking any water at all एटोल कह अगर इसको पानी भी नहीं मिलता है तो जनरली ये जो मॉइस्चर है जो पानी में जो नमी होता है ये जो डिजर्ट के प्लांट्स होते हैं उससे सोखता है उससे पीता है और बिना पानी पिए ये दस महीने तक जिंदा रह सकता है सोचिए कितना इंटरेस्टिंग बात है देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल दो अलग अलग तरीके के कैमल्स होते हैं वन नोन एज ड्रोमेड्री हैजनली अंगल हम्प द अदर इज कॉल्ड बैक्टीरियन कैमल एंड हैजू हम्प हम्प्स क्या होते हैं ना आपने देखा वो कैमल के बॉडी पर इस तरीके से एक उठा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम तो दो तरीके के कैमल के होते हैं कि जो ड्रोमेड्री होते हैं उनके पास एक ही हम्प होता है एक ही उठा हुआ होता है लेकिन जो बैक्टीरियन होते हैं उस पर दो हम्प निकले हुए होते हैं दो इस तरीके का निकला हुआ होता है द हम्प हेल्प द एनिमल टू सरवाइव इन द डेजर्ट बाई एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर और ये जो हम्प होते हैं ये किसी उनका जैसे उनके सुंदर सुंदरता से कोई भी लेना देना नहीं ये जस्ट होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए एक तरीके से कंटेनर है इनके लिए बट <coughs> दे स्टोर वाटर मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट बहुत सारे लोगों को मानना है कि ये जो उनका हम्प होता है इसमें लोग पानी पी कर स्टोर करते हैं लेकिन ऐसा नहीं ये लोग पानी पी कर स्टोर नहीं करते हैं ये बेसिकली बना होता है फैट से दिस फैट नरिश दैमल्स वेन फूड स्कैर्स कह जब, जब डिजर्ट में रहते हैं जब इनको खाना पानी नहीं मिलता है तो ये जो हम्प है ये इनको हेल्प करता है चूंकि फैट से बना होता है फैट का, का काम क्या है अगर आपको शरीर में कुछ भी नहीं मिला तो फैट अपने आप को यूज करता है एज अ फ्यूल इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देर हार्म फैट इज यूज अप और क्या होता है जब उनको खाने को नहीं मिलेगा एक महीना दो महीना चार महीना छः महीना तो जो हार्म होता है वो श्रिंक हो जाता है मतलब तो वो गल जाता है क्यों क्योंकि ये इसका ही फैट यूज करके कैमल जिंदा रह पाते हैं देर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर टू डेजर्ट लाइफ एडेप ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसको इन्होंने अपना लिया है कैमल के, ने अपना लिया है डिजर्ट को अपने सर्वाइव करने के लिए मतलब ये सर्वाइव कर लेते जल्दी मरते नहीं हैं अगर पानी भी ना हो खाना भी ना हो तब भी ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं देयर माउस आर सो टफ दैट इवन द शार्प थ के नॉट पियर्स थ्रू क्या उनके जो माउथ होते हैं इतने शार्प होते हैं क्योंकि बेसिकली वहाँ पे जो डिज़र्ट में जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही क्या बोलते हैं उसमें थोड़नी होती है मतलब कि बहुत सारे कांटे होते हैं जैसे कैक्टस होता है तो ये लोग कैक्टस को भी बड़े आराम से खाते हैं जैसे जिस तरीके से जो गोट हैं जो बकरियां हैं इसे पत्ते को चबाती है एकदम प्यार से कूल तरीके से ठीक वैसे ही कैमल्स जो होते हैं कैक्टस को बड़े आराम से चबाते हैं क्योंकि उनका जो मुँह का अंदर का जो पार्ट होता है ना बहुत ही टफ होता है बहुत ही <coughs> क्या बोल सकते हैं बहुत ही टफ होता है चलिए कि उसमें कोई भी अगर कांटा भी खाते हैं ना उसको चुभता नहीं है जैसा फोटो में देख सकते हैं ये देखिए एक हम्प ये है दूसरा हम्प ये है ये कौन सा है कैमल बैक्टीरियन है तो ये इसमें बेसिकली पानी नहीं होता है इसमें होता है ये फैट होता है जैसे आप अगर कोई भी आदमी बहुत मोटा है इसका मतलब कि उसके अंदर फैट जाता है अगर वो खाना पीना थोड़ा सा कम करे तो क्या होगा पेट अगर कम करना है तो वो जो स्टोर्ड फैट है वो धीरे धीरे गलेगा और उसी का वो यूज़ करेगा ठीक है तो इस तरीके से होता है तो जैसे जैसे ये यूज होता है वैसे वैसे ये श्रिंक हो जाता है क्लियर है बेटा आई होप कि बहुत अच्छा आपको अच्छा लगा होगा तो क्या करना है अगेन आपको इसका क्वेश्चन करना है मीनिंग्स लिखना है ठीक है इसको लाइन बाई लाइन खुद से भी पढ़ना है क्लियर है चलिए पढ़िए एंजॉय कीजिए मजे में रहिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर